ताकत लड़कियों में भी होती है, जब लड़कियां हाउसवाइफ इतने अच्छे से बनती हैं एंड सेम डे वो ऑफिस भी मैनेज करती हैं, तो व्हाई नॉट अ गेम। मेरा छोटा बेटा जो कि अपने स्कूल में जाके बोलता है मेरी मम्मी गोल्ड मेडल लाई है, सारे बच्चे मिलके कहते हैं हमारी मम्मी तो कुछ भी नहीं करी, तेरी मम्मी तो गोल्ड मेडल लेकर आई है। और यहाँ तक कि उसके पूरे स्कूल में पता है कि उसकी मम्मी आर्म रेसलर है, पावर लिफ्टर है और उसमें गोल्ड मेडल लेकर आई है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है एक माँ के लिए। जिम में मतलब मेरा सेकेंड या थर्ड डे था, तो मेरे मतलब जो ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि ये लड़की पंजा लड़ाती है, एक लड़के को बताया। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है एक बार मेरे साथ लगाओ, अगर इतनी अगर आप में ताकत है तो चलो मेरे साथ पंजा लड़ाओ। तो सारे उस टाइम पे जिम में मतलब सारे एक साथ आगे खड़े हो गए और सब उस लड़के को मतलब बॉयज़ उस लड़के को चेयर कर रहे थे एंड गर्ल्स मुझे चेयर अप कर रही थी। एंड थोड़ी देर के बाद मतलब विद इन वन मिनट मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो मैच जीत गई। तो सारे जिम में मतलब सारे लड़के उसको मतलब टीज करने लग गए कि शेट तू लड़की से हार गया, तू लड़की से हार गया। रिंग और कड़ा ये नहीं होना चाहिए। आप गेमों के अंदर बहुत सारे स्टेडियम आपको चाहिए, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स आपको चाहिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको। लेकिन अमृत सिंह में केवल आप ये देख रहे हैं केवल टेबल है, इस टेबल पे पूरा टूर्नामेंट हो जाता है। आप इंडोर करिए आउटडोर करिए, आप अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ लीजिए आपको पता लग जाएगा कि एक नॉर्मल लड़की का हाथ पकड़ रहे हो कि एक अमृतसर का हाथ पकड़ रहे हो। पावर तो सब में होती है, बस उसको सही तरीके से चैनलाइज करना इस गेम में वो होता है।